हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिंस और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम HTML में टेबल के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। टेबल के कंसेप्ट का यूज़ करके हम एक बहुत ही अमेजिंग टेबल बनाएंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है सेम वैसी ही टेबल बनाएंगे कि किस तरीके से आप उस टेबल को बना सकते हैं टेबल की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फ़ाइल बनानी है अपने डेस्कटॉप पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है table.html नाम से मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे बना ली है। और दो मेरे पास इमेजेस है, पहली इमेज है मेरे पास cloud.png और दूसरी इमेज है मेरे पास tree.png, जिनका हम टेबल में बैकग्राउंड इमेजेस सेट करेंगे, उसका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपको, जो table.html वाली फाइल है इसको एक आपको टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेना है। तो मैंने इसको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लिया है, table.html नाम की एक फाइल को। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे HTML की बॉडी स्ट्रक्चर लिखनी है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है HTML की बॉडी स्ट्रक्चर, तो मैंने ये लिख दी है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से टाइटल की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो टाइटल को भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा टेबल बनाने के लिए, मुझे बॉडी टैग के अंदर टेबल टैग लिखना है। क्या लिखना है, टेबल टैग लिखना है, और टेबल टैग का मुझे यहाँ पे क्लोज भी कर देना है। अब इस टेबल टैग में, यानी कि ये जो हमारे पास टेबल टैग है, इसमें मुझे क्या करना है, एक टेबल का बॉर्डर भी सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर इज इक्वल्स टू, और डबल कोट्स में मैंने बॉर्डर की वैल्यू लिख दे रही है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टेबल बनाने के लिए टेबल में क्या होती है, टेबल में रोज होती है हमारे पास। तो हमें सबसे पहले एक रो क्रिएट करनी है tr टैग से। tr टैग का मतलब होता है टेबल रो, tr यानी कि टेबल रो। अब इस टेबल रो के अंदर मुझे क्या करना है, टेबल हेडिंग्स बनानी है 3। तो मुझे यहाँ पे लिखना है th टैग, और th टैग को क्लोज कर देना है। th टैग का मतलब होता है टेबल हेडिंग। अब इस टेबल हेडिंग के अंदर सबसे पहले मुझे लिखना है सीरियल नंबर, तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे लिख दिया है। अब दूसरी मुझे टेबल हेडिंग बनानी है, टेबल हेडिंग को मैंने क्लोज करना है। अब इस टेबल हेडिंग के अंदर मुझे लिखना है, सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, मैंने लिख दिया। अब मुझे सपोज थर्ड टेबल हेडिंग बनानी है, टेबल हेडिंग को मैंने क्लोज कर देना है, और यहाँ पर मुझे लिखना है, सपोज मैं यहाँ पर स्कोर लिख देता हूँ। तो पहली टेबल रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने 3 टेबल हेडिंग्स यहाँ पर ली है फ्रेंड्स, ठीक है। अब कंट्रोल एस इसको सेव करते हैं और यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं किसी ब्राउजर में। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे टेबल हेडिंग, यानी कि पहली रो में जो हमारी पहली जो है यहाँ पे हमारे पास है सीरियल नंबर, दूसरा है हमारे पास नेम, तीसरा है हमारे पास स्कोर। तो ये आपके पास है आपकी पहली टेबल रो, और उसमें 3 टेबल हेडिंग्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दूसरी टेबल रो भी बनानी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से लिखना है टेबल रो, और टेबल रो को मैंने क्लोज कर देना है, यानी कि हम दूसरी टेबल रो बनाने जा रहे हैं। अब इस टेबल रो के अंदर मुझे लिखने हैं टेबल डाटा, क्या चाहिए मुझे, टेबल डाटा चाहिए। पहले में हमने टेबल हेडिंग चाहिए थी, अब मुझे टेबल डेटा चाहिए। यहाँ पे डेटा यानी कि टेबल हेडिंग और टेबल डेटा में क्या डिफरेंस है, टेबल जो हेडिंग है उसका जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क सा होता है, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो, बट टेबल डेटा में वो थोड़ा डार्क नहीं होता, ठीक है, वो लाइट सा रहता है। अब मुझे इस टेबल डेटा में कुछ लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई इमेज सेट करूँगा, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ताकि मुझे बाद में पता लगे कि मुझे यहाँ पे एक इमेज सेट करनी है। उसके बाद मुझे क्या करना है, दूसरा टेबल डाटा लेना है, और यहाँ पे टेबल डाटा को क्लोज कर देना है, और यहाँ पे मैं सपोज कोई नाम लिख देता हूँ टीना। और थर्ड मुझे टेबल डाटा लेना है, टेबल डाटा को मैंने क्लोज कर देना है, और यहाँ पर मैं स्कोर में उसका कोई सपोज 100 मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो दूसरी टेबल रो भी हमने बना ली, कंट्रोल एस एस को सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने दूसरी टेबल रो भी बना ली। अब यहाँ इमेज वाली जगह पर हम कोई ना कोई एक इमेज सेट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है ना। अब सिमिलरली हम थर्ड टेबल रो बना लेते हैं, तो मुझे क्या करना है, सपोज मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जाके नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या करना है, यहाँ पे डेटा चेंज करना है। मैंने यहाँ पे टेबल डेटा में 2 कर दिया, यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ, सपोज NI नीना कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं स्कोर में सपोज 99 कर देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी थर्ड टेबल रो भी बन चुकी है, और उनके पास टेबल डेटा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टेबल हेडिंग का जो कलर है वो थोड़ा डार्क होता है, और जो टेबल डेटा होता है उसमें जो टेक्स्ट होते हैं उनका कलर थोड़ा लाइट सा होता है। तो ये डिफरेंस होता है टेबल हेडिंग्स में और टेबल डेटा में, ठीक है ना। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी टेबल हेडिंग्स है सीरियल नंबर में, नेम में, और जो स्कोर है, इनमें मुझे क्या करना है, एक इमेज सेट करनी है, बैकग्राउंड में कोई ना कोई एक इमेज लानी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो,
तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई ना कोई इमेजेस लगानी है इन वाले टेबल हेडिंग में। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो मैं टेबल रो पे एक आईडी देता हूँ कि आईडी का नाम है मेरा TR1 यानी कि टेबल रो पहली, ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकूँ आईडी को CSS वाले सेक्शन में और इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकूँ। अब CSS अप्लाई करने के लिए मुझे हेड सेक्शन में जाना है और यहाँ पे लिखना है स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग को मुझे क्लोज कर देना है। अब इस स्टाइल टैग में हमें क्या करना है, एक आईडी को एक्सेस करना है, यानी कि आईडी क्या है हमारे पास टेबल रो 1। तो हमें आईडी को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हैश लिखना है और TR1 हमने यहाँ पे लिखना है। इस TR1 का मतलब क्या है कि हमने TR1 नाम की जो आईडी है उसको एक्सेस कर लिया, आईडी को हम हैश टैग से एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस में हमें क्या करना है कि जितनी भी आपकी जो आईडी क्या है टेबल रो है, इस टेबल रो में क्या करना है, टेबल रो पहली में क्या करना है, जितने भी आपके पास टेबल हेडिंग्स हैं उनका जो हमें क्या करना है बैकग्राउंड चेंज करना है। तो TR1 की टेबल रो 1 की TH पर, यानी कि जो आपकी टेबल रो 1 है उनकी टेबल हेडिंग्स पर, तो हमने स्पेस देके लिखना है टेबल हेडिंग्स पर हमें क्या करना है बैकग्राउंड की जो इमेज है वो सेट करनी है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड, और यहाँ पे इमेज सेट करने के लिए मुझे यहाँ पे URL लिखना है, और URL के अंदर मुझे इमेज का नाम लिख देना है। इमेज का नाम क्या हमारे पास cloud.png। तो सेम एग्जैक्ट पाथ यानी कि सेम जगह पे है, तो मुझे एग्जैक्ट पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट पाथ ही है। तो मुझे लिखना है यहाँ पे cloud.png, तो मैंने ये लिख दिया। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इमेज तो आ चुकी है बट वो प्रॉपरली नहीं आई है। तो प्रॉपरली इसको एडजस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड साइज को कवर करना पड़ेगा। तो मुझे लिखना है यहाँ पे बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पे मुझे कवर लगा देना है। ये प्रॉपर्टी है, जो भी इमेज आपकी सही से एडजस्ट नहीं होती तो इसकी वजह से आपकी जो इमेज है वो एडजस्ट हो जाती है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज आपकी आसानी से एडजस्ट हो चुकी है, तो ये प्रॉपर आ चुकी है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हमने ये लगा दी इमेज। अब हमें यहाँ पे भी लगानी है एक इमेज, ट्री की इमेज लगानी है। तो यहाँ पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है टेबल डेटा में जाना है, और यहीं पे ही हम एक इनलाइन CSS का यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे लिखना है स्टाइल, और यहाँ पे डबल कोट्स में मुझे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है बैकग्राउंड लिख के। यहाँ पे लिखना है मुझे URL के अंदर मुझे इमेज का नाम, जैसे कि इमेज का नाम है tree.png। आपको डॉट एक्सटेंशन जरूर लगानी है जो भी आपकी इमेज का फॉर्मेट है। ये हमने लगा दिया, कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करते हैं। अभी हमें क्या करना है, इमेज हमारे पास नहीं आई है। इमेज क्यों नहीं आई है अभी आपको देखते हैं। देखो हमने tree.png लगाया है, ठीक है ना। यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करते हैं, यहाँ से इसको इमेज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करते हैं। इमेज आ चुकी है यहाँ पे, बट इमेज का जो बैकग्राउंड जो साइज है वो कवर नहीं है, तो इसलिए प्रॉपर नहीं आ रही है। तो हमें यहाँ पे भी जहाँ पे यहाँ पे ये सेमी कोलन है, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी लगानी है बैकग्राउंड साइज को हमें कर देना है कवर। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी प्रॉपरली जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है वो आ चुकी है। तो बैकग्राउंड कवर, जो बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी कवर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इमेज को सेट करने के लिए। अब हमें रेस्ट अपना काम कर लेते हैं, यहाँ पे कोई और बैकग्राउंड कलर वगैरह दे लेते हैं। जैसे टीना का बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं पर्पल, तो यहाँ पे टीना है, यहाँ पे स्टाइल लिख के बैकग्राउंड हम लिख देते हैं यहाँ पे पर्पल, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। और यहाँ पे जो आपका 100 है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जैसे कि पिंक दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल बैकग्राउंड, मैं यहाँ पे दे देता हूँ पिंक। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे इसका कलर भी आ चुका है। सिमिलरली हम इनका कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली टेबल रो पे ही हम अप्लाई कर देते हैं स्टाइल। स्टाइल में बैकग्राउंड है, सपोज मैं यहाँ पे डीप पिंक कर देता हूँ, ये भी आपका कलर होता है। कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस आर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कलर भी आ चुका है। अब हमें बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं बॉडी सेक्शन में जाके यहाँ पे हम BG कलर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपली ब्लैक। कंट्रोल एस से यहाँ पे सेव करते हैं, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था वैसी ही हमने एक अमेजिंग टेबल बना दी है। तो आज के हमने इस लेक्चर में सीखा कि कैसे हम टेबल को बनाते हैं, कैसे हम उस पर प्रॉपर्टीज लगाते हैं, कैसे हम बैकग्राउंड की इमेजेस को हम सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड साइज की कवर प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको इन टेबल की प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगा होगा, टेबल बनानी आपने आई होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।